उदाहरण तीन, बहुपद 5x ऋण 11 ऋण 12 एक्स की घात 2 धन 2 एक्स की घात 3 को बहुपद x ऋण 5 से भाग दीजिए। हल, यहां भाज्य 5x ऋण 11 ऋण 12x की घात 2 धन 2 एक्स की घात 3 व भाजक x ऋण 5 है। सबसे पहले हम भाज्य को अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो भाज्य को अवरोही क्रम में लिखने पर हमें मिलेगा 2 एक्स की घात 3 ऋण 12 एक्स की घात 2 धन 5x ऋण 11। ये हमारा भाज्य है और हमारा भाजक जो है वह है x ऋण 5। अब हम सबसे पहले इस x को ऐसे किस संख्या से, चर संख्या से गुणा करें कि हमें 2x की घात 3 प्राप्त हो। इसके लिए हम x को 2x की घात 2 से गुणा करेंगे। जब हम x को 2x की घात 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x की घात 3। अब ऋण 5 को फिर 2x की घात 2 से गुणा करेंगे तो ऋण को धन से गुणा किए तो ऋण और 5 दुनी 10 x की घात 2। अब हम इसके चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलने पर धन ऋण हुआ और ऋण धन हुआ। तो 2x की घात 3 को जब हम 2x की घात 3 से घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसी तरह से ऋण 12x की घात 2 को धन 10x की घात 2 से जोड़ने पर हमें ऋण 2x की घात 2 प्राप्त होगा। अब हम धन 5x ऋण 11 को नीचे उतार लेते हैं। अब पुनः x को ऐसी किस संख्या से यहाँ गुणा करेंगे जिससे हमें ऋण 2x की घात 2 मिल जाए। इसके लिए हम सबसे पहले ऋण 2 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, x को ऋण 2 से गुणा करेंगे और क्योंकि यहाँ सिर्फ x है तो x की घात 2 लाने के लिए हम यहाँ पे इसे x से गुणा करेंगे। तब हम x को ऋण 2x से गुणा करने पर हमें मिलेगा ऋण 2x की घात 2। पुनः ऋण 5 को हम ऋण 2x से गुणा करेंगे तो ऋण गुणित ऋण धन और 5 दुनी 10x। अब फिर से पुनः हम चिन्हों को विपरीत चिन्ह लगाएंगे घटाने के लिए। तो ऋण 2x की घात 2 धन 2x की घात 2 यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हुआ और उसी तरह से धन 5x ऋण 10x बराबर ऋण 5x प्राप्त होगा। उसी तरह से ऋण 11 को हम नीचे उतार लेंगे। अब x को पुनः किससे गुणा करें कि हमें ऋण 5x प्राप्त हो। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऋण और 5 लिखेंगे। तब हम x को जब ऋण 5 से गुणा करेंगे तो हमें ऋण 5x प्राप्त होगा। उसी तरह से पुनः ऋण 5 को जब हम ऋण 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा धन 25। इसके बाद फिर से पुनः हम क्या करेंगे, इसको चिन्हों को बदलेंगे तो ऋण जो है वो धन हो जाएगा और धन जो है ऋण का चिन्ह बदलेगा। इस तरह से ऋण 5x धन 5x यहाँ 0 मिला और ऋण 11 ऋण 25 जो है वह ऋण 36 है। यहाँ पर हमें भागफल प्राप्त हुआ 2x की घात 2 ऋण 2x ऋण 5 एवं हमारे पास जो शेषफल हमें जो प्राप्त हुआ है वो ऋण 36 है। तो हम लिख सकते हैं कि भागफल बराबर 2x की घात 2 ऋण 2x ऋण 5 और उसी तरह से हमारा जो शेषफल है वह प्राप्त हुआ है हमारे ऋण 36। तो यह इस प्रश्न का हल।
है।